हेलो मैम अमन, अगर आपका भी बजट 8 लाख के अंदर है और आप या तो हैचबैक या तो मिनी एक्सयूवी प्लान कर रहे हो तो एक बार इस कार को देख लो। रेनॉल्ट ने न्यू अपनी कैगर को लॉन्च कर दिया। अब इसे आप लोग अपग्रेड बोलो या फिर नया लॉन्चिंग बोलो या फिर नया एक बोले तो कंपटीशन को आगे बढ़ाने के लिए एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है डे एंड नाइट एडिशन के नाम से। इसमें क्या कुछ आपको फीचर मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 लाख के अंदर ही आपको कॉम्पैक्ट एक्सयूवी मिल रहा है। तो क्या इसमें फीचर आया, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सामने से। सामने से आपको कुछ इस प्रकार का प्रोफाइल मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस कार की प्राइस बता देता हूँ आपको। शोरूम में इसका प्राइस चला जाता है 6,64,000 के लमसम। ऑन रोड अभी मैं हूँ मंजू मोटर जो कि हजारीबाग झारखंड में अवेलेबल है। यहाँ पे इसका लगभग ऑन रोड चला जा रहा है 7,73,000 के अराउंड। बाकी बात क्या कुछ फीचर मिलता है, एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो नाइट एंड डे एडिशन है वो सिर्फ आपको RXL में ही मिलेगा और वो भी मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अगर आप लोग 1 लीटर टर्बो चार्ज में प्लान कर रहे हो इस एडिशन को लेने का तो ऐसा कुछ कंपनी लॉन्च नहीं की। ये आपको सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में ही मिलेगा जो कि RXL के नाम से आती है। बाकी सामने से तो कुछ इस प्रकार का आपको लुक मिल जाता है। चेंजेस की बात कर लें तो है सबसे पहला आपको फ्रंट ग्रिल। पहले इसमें मैट कलर का ग्रिल आया करता था लेकिन अब ग्रिल आप लोग देखो फुल पियानो ब्लैक ग्रिल हो चुका है। आप लोग जो कि सामने देख सकते हो रेनॉल्ट की लोगो आपको यहाँ पे मिल जा रही है। टाइगर की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जा रही है। फ्रंट स्कीड प्लेट आपको फुल मैट ब्लैक में मिल जा रहा है एंड ट्विन आपको रिफ्लेक्टर के साथ लाइट मिल जा रहा है जो कि रेगुलर बल्ब के साथ है। ये आपकी पीला लाइट प्रोड्यूस करती है। आपको ऊपर में DRL मिल जा रहा है एंड रेगुलर बल्ब के साथ साइड टर्न इंडिकेटर भी ऑफर किया है। फ्रंट में सिर्फ चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेगा एंड सबसे बड़ा चेंजेस तो अगर बोल दूँ तो ये दोनों बॉडी कलर। पहले क्या है कि आपको इसमें सिंगल टोन मिला करता था लेकिन अब आपको बेस वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट बोलो इसमें भी आपको डुअल टोन मिलेगा। और साथ ही साथ पहले का जो व्हाइट कलर था और आपका व्हाइट कलर वो चेंज है। पहले आपको प्योर व्हाइट कलर मिलता था लेकिन अब आपको पर्ल व्हाइट कलर मिल रहा है। इस कलर को अगर मैं ऐसे लॉजिकली समझाऊँ तो जब भी इवनिंग होता है तो सनसेट के टाइम कैसा आपको सीन मिलता है डीएन और नाइट का, वही सेम कलर का कॉम्बिनेशन इन दोनों में कंपनी रखी है। बाकी बात साइड से आपको कुछ इस प्रकार का प्रोफाइल मिल जाएगा। फ्रंट चेंजेस जैसा कि मैंने बताया पियानो ब्लैक फिनिश ग्रिल आपको मिल जा रहा है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे स्टील रिम के साथ जो कवर दे रही है कंपनी इसमें भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा। आपको क्या है कि इसमें अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं है लेकिन स्टील रिम के साथ जो ये कवर है वो फुल आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 195/60 R16 का टायर मिला। तो भाई आप 20 वेरिएंट लो या फिर टॉप एंड वेरिएंट लो 16 इंच और सेम प्रोफाइल का आपको यहाँ पे टायर दे रखी है। बाकी बात साइड ORVM आपको ब्लैक कलर में मिलेगा जैसा कि ये डुअल टोन में है और साइड में आपको साइड टर्न इंडिकेटर भी ऑफर की है। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में डोर ओपनर मिलेगा। एक बार मैं पीछे से दिखा दूँ तो पीछे भी चेंज हो चुका है। पीछे में आपको ये जो काइगर का लोगो है ये आपको फुल पियानो ब्लैक फिनिश में मिल रहा है। पहले क्या है ये आपको क्रोम फिनिश में मिला करता था जिसे आप कंपनी चेंज कर दी, ये आपको फुल पियानो ब्लैक फिनिश में मिल रहा है। और ये जो आप लोग बैकडोर गार्निश देख रहे हो ये भी आपको फुल ब्लैक कलर में मिलेगा, वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में। 3 पार्किंग सेंसर यहाँ पे ऑफर किए। कैमरा भी आपको इस वेरियंट में मिल जा रहा है, मतलब इस किट में या फिर इस एडिशन में मिल जा रहा है। बूट को ओपन करते हैं तो जैसे ही कार अनलॉक रही यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग बूट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है 405 लीटर का फुल्ली लोडेड बूट स्पेस विद पार्सल ट्रे। 60/40 स्प्लिट सीट का भी कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेपनी टायर आपको यहाँ पे नीचे मिल जा रहा है जो कि प्रोफाइल एक बार देख ले तो आपको यहाँ मिल जाता है 165/80R 40 इंच का टायर। तो यहाँ पे आपको 14 इंच का टायर मिल रहा है और बाहर में आपको 16 इंच का टायर ऑफर किया है। बाकी बात टेल लैम्प देखो, टेल लैम्प सिमिलर है, टेल लैम्प में चेंजेस नहीं किए। ये आपकी ब्रेक लाइट हो गई, साइड टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। बाकी बात यहाँ पर ये फुल अटैच मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी डिफॉगर वाइपर वॉशर वगैरह ऑफर नहीं किया। अच्छी बात यह कि हाई स्पीड स्टॉप लैंप के साथ साथ सार्फिंग एंटीना देखने को मिल जाएगा। साइड साइड आपको रूफ रेल्स भी दे रखी है एंड इंटीग्रेटेड आपको इसमें स्पॉइलर भी मिल जाएगा। अब चलते हैं पैसेंजर साइड डोर। तो पैसेंजर साइड डोर ओपनर जो है वो फुल आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा एंड फ्यूल आप लोग यहाँ से डलवा सकते हो, मतलब कि जो ड्राइवर साइड डोर है उधर ही आपको फ्यूल डलवाने का सिस्टम दे रखिए जो कि 40 लीटर का। अब इस डोर को ओपन करते हैं तो अंदर का ट्रिम भी आपको फुल ब्लैक में मिलेगा एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा और फुल आपको हार्ड टच दे रखी है। बाकी बात यहाँ पे आपको पावर विंडोज का कंट्रोल मिल जाएगा, थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेस बोतल होने स्पीकर का प्लेसमेंट ट्विटर एंड डोर ओपनर आपको फुल यहाँ पे ब्लैक रखी है। लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है एंड इंटीरियर आपको डुअल टोन में मिलेगा ब्लैक एंड बेज कलर के साथ साथ। बाकी आपको फुल बकेट सीट ऑफर की है। रियर हेडरेस्ट आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हो, एक बार मैं बैठ कर दिखा दूँ तो बैठने के बाद अंदर थाई सपोर्ट वगैरह भी मेरे को ठीक ठाक मिल जा रहा है एंड इस सीट को मैं पूरा पीछे कर चुका हूँ तो आप लोग देखो
स्पेस भी आपको ठीक ठाक मिल जा रहा है। एंड यहाँ सेंटर में आपको एसी वेंट ऑफर की है कंपनी, और नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। पेट्रोल से गुजरने के लिए यहाँ पे आपको हैंगर मिल जाता है। केबिन में आपको कोई भी सेंटर लाइट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फ्रंट में केबिन लाइट दे रखी है। एंड पीछे से डैशबोर्ड का लुक आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा। अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर। तो ड्राइवर साइड डोर ओपनर भी आपको फुल पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा, एंड अंदर का ट्रिम आपको फुल ब्लैक में मिलेगा। इसमें भी आपको सिमिलर यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा। ये आपकी डोर ओपनर हो गई पकड़ने का कुछ तगड़ा सा। बाकी बात यहाँ पे आपको साइड ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का सिस्टम दे रखी है। फोल्ड का आपको सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलेगा। चारों पावर विंडोज का कंट्रोल, यहाँ पे आपको विंडोज लॉक करने का बटन, यहाँ पे बोतल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर। बाकी बात इंटीरियर और डैशबोर्ड आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाता है। ऑल ब्लैक में आपको डैशबोर्ड मिलेगा। ड्राइवर साइड सीट से स्टार्ट करें तो आपको सिर्फ बैक एडजस्ट के साथ सीट आती है, हाइट एडजस्ट के साथ नहीं, और सीट भी आपको डुअल टोन में मिलेगा। अच्छी बात यह कि जो ये फ्रंट हेडरेस है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों एडजस्ट आप लोग कर सकते हो, सिर्फ पीछे वाले हेडरेस को आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बाकी बात यहाँ पे आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे हेडलाइट्स का कंट्रोल दे रखिए। तीनों पैडल को मिल जाता है, डेड पैडल वगैरह नहीं है, और फ्यूल लीड आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हो। बाकी बात अंदर बैठने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड का लुक मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है भाई। इस प्राइस रेंज में सही है, इस प्राइस रेंज में अगर आप लोग एक हैचबैक की ओर जाओगे तो उससे ज़्यादा बेहतर तो यही है। बाकी स्टीयरिंग से स्टार्ट करें तो आपको नॉर्मल स्टीयरिंग मिल जाएगा। एयरबैग आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, और एक एयरबैग आपको वहाँ पे मिल जाता है। बीच में यहाँ पे आपको रेनॉल्ट का लोगो मिल जाएगा, और ये कुछ इसका मीटर कंसोल, जो कि फुल डिजिटल मीटर कंसोल है भाई साहब, मज़ा आ गया यार। यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जा रहा है, वहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल रहा है, ऊपर टेम्परेचर मीटर, बाकी किलोमीटर आपको यहाँ पे मिल जा रही है। और जैसा कि डोर ओपनर है तो डोर ओपनर का भी साइन यहाँ बता देगी, एवरेज कितने की दे रही है वो भी दे देगी। और सबसे बढ़िया बात ये कि आपको इस प्राइस रेंज में TPMS मिल जा रहा है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, हो जाओ ये, इसको लॉन्ग प्रेस करो तो अपना टायर प्रेशर आप लोग देख सकते हो। बाकी बात ये है कुछ इसका म्यूजिक सिस्टम, जो कि एक एसेसरीज का पार्ट है, मतलब इस एडिशन में आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएगा, जो कि सही है भाई। एक बार मैं पहले यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, तो आप लोग देखो एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। यूट्यूब वगैरह आप लोग चला सकते हो, यूट्यूब इसमें दे रखी है कि नहीं, तो यहाँ पे तो आपको यूट्यूब नहीं मिलेगा, लेकिन क्रोम के अंदर जाओगे तो फिर यहाँ से आप लोग यूट्यूब इसमें चला सकते हो। बाकी बात प्ले स्टोर एक बार मैं दिखा दूँ, तो प्ले स्टोर आपको प्ले स्टोर नहीं मिलेगा भाई, ऐप इंस्टॉलर सिर्फ यहाँ पे दे रखी है, जो कि इसी में अगर कुछ इंस्टॉल करना चाहोगे थर्ड पार्टी तो इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी प्ले स्टोर वगैरह नहीं मिले, लेकिन ये एंड्रॉयड के साथ है। और एसी वेंट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है फ्रंट में चारों, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है हजार का स्विच, लॉक अनलॉक का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन आपको यहाँ मिल जा रहा है, मैनुअल एसी वेंट, थोड़ी बहुत स्पेस, एंड थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। अगर इसमें एक और पार्ट रखी है कंपनी, अगर आप लोग वायरलेस चार्जर लगाना चाहोगे वो एक किट के हिसाब से, तो यहाँ पर आप लोग लगवा सकते हो अगर लेना चाहोगे तो। बाकी बात ये इसका गियर बॉक्स, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, और एक रिवर्स, और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जा रहा है, थोड़ी बहुत स्पेस, आर्मरेस्ट भी इस वेरिएंट में दे रखी है, स्लाइडिंग के साथ नहीं है, लेकिन डिसेंट स्पेस के साथ आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। ग्लव बॉक्स एक बार देख लें तो डिसेंट और बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स आपको दे रखी है कंपनी। यहाँ पे आपको फुल पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा, और डे नाइट IRVM मैनुअल में मिल जा रहा है, रेगुलर बल्ब के साथ यहाँ पे व्हाइट लाइट मिल जा रही है। बाकी को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और ड्राइवर साइड सनसेट में आपको सिर्फ यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। और इस म्यूजिक सिस्टम का माइक का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दे रखी है। सो यही था इसका इंटीरियर वगैरह, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके इंजन सेक्शन की ओर। सो कैसी लगी RXL नाइट एंड डे एडिशन काइगर, एक बार नीचे कमेंट करना। अब बात करते हैं इसके इंजन सेक्शन की ओर। इसमें आपको मिल जाता है 1 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 71 BHP का 69 Nm टॉर्क के साथ, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आती है। अब यहाँ पे मैं पहले माइलेज क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो ये आपको इजीली 15, 18, 20 का माइलेज निकाल कर दे देगी, वो आपके ड्राइविंग रेंज पर डिफरेंस करता है। बाकी बात स्टार्टिंग मैंने बताया, इसमें आपको 1 लीटर टर्बो इंजन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको दूसरा वेरिएंट में जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको ये एडिशन नहीं मिलेगा। बाकी बात इस एडिशन में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड ही इंजन मिलेगा। कैसे लगे न्यू काइगर RXL नाइट एंड डे एडिशन, नीचे कमेंट करते हुए जाना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी कार वगैरह से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वाचिंग, बाय।